नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है ओडिशा सी फिशिंग चैनल पर और एक नया फिशिंग ब्लॉग में। सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद की आप सब अच्छा और स्वस्थ मस्त होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे का ये नज़ारा। और फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का 7। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है, आज हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग जाल डाल दिए हैं, देखेंगे आज कितने सारा मछली हम लोग का जाल में आते हैं। और हम लोग कल ही फिशिंग निकाल के आए थे दोस्तों, और आज हमारा फिशिंग का दूसरा दिन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आप आज का एक शानदार ब्लॉग। लेट स्टार्ट। तीन देखो, फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बोट दिख रहे हैं। आप सभी को देखिए यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग बोट जो कि हम लोगों का साथ में ही फिशिंग करता है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल आंधी, आज बिल्कुल मतलब आंधी क्लियर हो गया। और ये देखिए हमारा पीछे भी दोस्तों एक बोट आ रहा है। अभी दोस्तों हम लोगों का जितना सारा बोट हम लोग साथ में फिशिंग करते हैं, सभी बोट का जो जाल है हम लोग पानी में डाल दिए हैं दोस्तों। और हम लोग अभी डाले हैं नेट, और हम लोग कल नाइट में उतना ज़्यादा मछली नहीं था, तो उसके लिए हम लोग रात में हम लोग एंकर डाल दिए थे, और सुबह सुबह एंकर उठा के हम लोग जाल डाल दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हम लोग का जाल भी डाल दिया गया, और हमारा जो बोट है अपना नेट को खींचते हुए आगे जा रहा है, बढ़ रहा है आगे। और आज फ्रेंड्स उतना ज़्यादा धूप नहीं है, और आज उतना हवा भी नहीं है, सब कुछ बराबर है दोस्तों। और ये आप लोग देख लीजिए कुछ प्यारा प्यारा नज़ारा सुबह सुबह, किस प्रकार समुंदर में सूरज दिख रहा है, कितना प्यारा सा आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आज उतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, और हम लोगों का अभी मतलब सुबह का जो मतलब पानी वाला चावल हम लोग सुबह सुबह खाते हैं, खाने का वक्त हो गया। तो फाइनली आज कुछ मछली बनाया जाएगा तरकारी में, तो आइए दोस्तों अभी देखते हैं क्या खाना बने हैं, और हम लोग खाना बनने के बाद खा भी लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी बोट का जो छत होता है छत का ऊपर खड़ा हूँ, और हमारा बोट जो है धीरे धीरे से चल रहा है आगे अपना नेट को खींचते हुए, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा सामने भी कुछ बोट है। और दोस्तों हम लोग अभी बहुत ही गहरे समुंदर में हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं उत्तर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं नीचे, छत से नीचे चलते हैं, और नीचे जाते ही दोस्तों अभी चलेंगे, देखेंगे क्या खाना बन रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए टेंगरा मछली का जो काट लिए हैं टेंगरा मछली, अभी खाने का वक्त हो गया। देखिए सभी लोग खा रहा है अंदर, और मेरा खाना अभी निकाला जा रहा है। देखिए दोस्तों अभी खाएंगे, और पीछे भी दो आदमी बैठा है खाने के लिए। ये देखिए मेरा खाना अभी आ गया दोस्तों, अभी दोस्तों आज बाहर में खाएंगे बैठ के। हाँ यहाँ खाना है दोस्तों अभी। फ्रेंड्स तो आप सब देख सकते हैं अभी कितना मतलब धूप थोड़ा ज़्यादा मतलब तेज़ में आ गए हैं, और अभी हो रहा है दिन का 10, और अभी हम लोगों का नेट उठाने का वक्त हो गया, क्योंकि हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए थे दोस्तों, और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लिए हैं। और अभी यहाँ पर हमारा जो बोट है जाल को मतलब खींचते हुए जा रहा है आगे, और अभी वक्त हो गया, अभी पहले हमारा रोप उठाना है बोट में, और रोप उठाने के बाद हम लोगों का जाल उठाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस बार हमारा जाल में कितना मछली आते हैं, तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। अभी देखिए अभी रोप समेटना हम लोग स्टार्ट करेंगे,
और सभी लोग अभी यहाँ पे पेंटिंग होगा दोस्तों। देखिए फाइनली हमारा और भी वाटर बोर्ड आ गया, अभी हम लोग जाल उठाना स्टार्ट करेंगे। रैलिंग करेंगे, जाल देखिए दोस्तों हम लोग किस प्रकार नेट खींचते हैं और बहुत ही तकलीफ का काम है हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग अभी बहुत ही गहरे समुद्र में हैं और हम लोग किस कुछ इस प्रकार से हम लोग नेट खींचते हैं। देखिए और मैं भी अभी खींच रहा हूँ। बहुत सारा मछली आया दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर बहुत फ्रेंड्स तो आप सब देख सकते हैं अभी हम लोगों का जाल फिर से डाल दिए हैं पानी में। और ये देखिए एक जाल जो है हम लोग इससे ख़राब हो गया था, इसे समेट के हम लोग रख लिया। अभी मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का टूटा है तो यहाँ पे हम लोग नहीं ठीक कर सकते, इसको मिस्त्री के पास लेके जाएंगे दोस्तों। फ्रेंड्स जितना भी मछली आया था सभी को मैं आइसिंग करने के लिए भेज दिया स्टोर के अंदर। फ्रेंड्स तो आज का ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी और एक खास ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को एक प्यारा सा कमेंट करना दोस्तों। तो मिलता हूँ बहुत जल्दी, बाय, जय जगन्नाथ।